आज हम बनाने जा रहे हैं मटन टिक्का बिरयानी तो हमने पहले ले लिया है मटन और उसको अच्छे से धो लिया है उसमें मैंने टोमेटोज डाल दिए हैं तीन और मैंने दही डाल दिए एक कप सही है एक एक मैंने टी स्पून मसाले डाल दिए हैं आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं नमक ज़ीरा और धनिया और रेड चिली पाउडर मैंने डाल चुकी हूँ सही है मेरे पास क्या कहते हैं तिक्का मसाला है तो मैं इसमें टू टेबल स्पून डालने वाली हूँ अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम मैंने वन एंड हाफ डाला है, ठीक है ना वन एंड हाफ़ टेबल स्पून और गरम मसाला डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा लेट्स मिक्स दिस प्रॉपरली मैरिनेशन करके मैं ओवरनाइट रख रही हूँ उससे ज़्यादा टेस्टी बनती बिरयानी और बहुत ही मज़े की बनी थी ये सबको बहुत पसंद आई थी थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर भी ऐड कर रही हूँ ठीक है अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे अब मसाला बनाने के लिए हमने क्या करना है हमने ऑयल डाल लेना है और खड़े मसाले ले लेने हैं इसमें हमने काली मिर्च बेलि सिनेमन और बड़ी इलायची डाल दी है और प्याज डाल दिए ठीक है थीके? इसको अच्छे से लाल करेंगे और जायफल चवेतरी हमने थोड़ी सी लेकर पीस के ये भी डाल दिए ठीक है थीके? इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है और बहुत ही मज़े की बनती है बिरयानी खड़े मसाले की खुशबू बहुत अच्छी होती है जब गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएगी ना तो मैं इसमें से हाफ निकालूंगी गार्निशिंग के लिए इस तरह की प्याज़ मुझे बड़े मज़े की लगती है क्रिस्पी क्रिस्पी ब्लैक नहीं करनी है गोल्डन ब्राउन करनी अब हमने जो मैरिनेशन किया था मटन मसाला वगैरह लगा के अब हम इसमें डाल देंगे ठीक है ये थोड़ा सा पानी जो उसमें मैंने क्या कहते हैं मसाला लगा हुआ था ना वो मैंने डाल दिया इसमें वेस्ट नहीं करना था इसलिए अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी अब इसको गलाने के लिए हम टेन मिनट्स के लिए ऑलमोस्ट कुकर पे चढ़ा रहे हैं चावल के लिए पानी डाल देंगे और ये अलग से जो मसाला बन गया था कुकर में प्रेशर में हो चुका था अभी मैं एक साथ चावल भी बॉईल कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ इसमें ज़ीरा डाला है हमने चावल के लिए काली मिर्च नमक और सिनेमन स्टिक डाल दिए बेलीफ डाल दिए और इलायची डाल दी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये जो मसाला था ना ये हो गया था अभी थोड़ी सी कसर है अभी भी बाकी ये सही तरह नहीं टूट रहा ना गोश्त ये देखें पोटैटो भी थोड़े से कच्चे हैं इसमें हो जाएंगे गोश्त गल चुका है जो हम बंद कर देंगे और अब हम चावल की तरफ चलते हैं वापस पानी बॉयल हो चुका है ठीक है अब इसमें हम चावल डालने लगे हैं तीन कप मैंने चावल लिए थे और अब हम इसको बॉयल कर रहे हैं मिक्स कर लें अच्छे से हम ध्यान से चावल स्टेन करना है हमने आराम आराम से माशाला से चावल अच्छे खड़े खड़े हो गए बिरयानी के लिए और अब हम लेयर्स लगाएंगे ये मम्मी ने चावल डाल दिया हमने मिल के बनाई बिरयानी बहुत ही माशाला मज़े की बनी थी और हम लेयर लगा रहे हैं पहले चावल की उसके बाद ये कोरमा डाल रहे हैं हम इसके ऊपर फिर वापस चावल की हम एक और लेयर लगाएंगे बोटैटो गोश्त माशाला से अच्छे से गल चुका था यह हमने इसमें कलर ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए ऑनियंस डाल दी मैंने लेमन डाल दिए और मम्मी ने कहा जर्दे का रंग थोड़ा सा कम है तो और डाल दिया हमने थोड़ा सा धनिया डाल दिया ठीक है और जब तक ये दम हो रहा था इसका चावल का तो मैंने रायता बना लिया टोमेटो और ऑनियन डाल के दही ब्लैक पेपर नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है और हमारी मज़ेदार माशाल्लाह से बिरयानी रेडी है और आई होप यू लाइक दिस वीडियो के मुँह में पानी आ रहा है मुझे पता है आप सब के मुँह में बड़ा पानी आ रहा है तो जाएं और तैयार करें अपनी खुद की बिरयानी और कोई मुश्किल नहीं है गो एंड ट्राई इट बड़े मज़ेदार भी है सबकी फेवरेट होती है बिरयानी तो गो एंड ट्राई इट एंड डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब प्लीज़ गो एन सब्सक्राइब माई चैनल सब ने माशा बहुत तारीफ़ की मेरे फादर ने मेरे भाई ने मेरी मॉम ने हम सब ने मिल के बड़े मज़े से बिरयानी खाई और खूब इन्जॉय कर रहे हैं हम फ्राइडे और अब तक के लिए इजाज़तें मिलते हैं अगले ब्लॉग में इनशाला से सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और ये मेरी प्लेट है इसमें बिरयानी है और मैं खाने लगी हूँ <laughs> तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखना अल्लाह हाफ़िज